आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं कि उस इंसान वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, वो इंसान मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा है, या फिर मेरे को तड़पा रहा है। एक एक मैसेज करने के लिए मुझे तड़पना पड़ रहा है, एक एक मैसेज के लिए मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है उस इंसान के पास। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मतलब कोई चीज़ बता दो। और इस वीडियो में हम नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि सर क्या करना चाहिए, मतलब जिस तरीके से मैं तड़पना पड़ रहा है, जिस तरीके से एक एक मैसेज के लिए मैं तड़पा रहा हूँ इंसान, एक एक इस सारी चीज़ों के लिए हमें तड़पना पड़ रहा है, एक कॉल के लिए, एक मैसेज के लिए फोर्स करना पड़ रहा है, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, मुझे वैल्यू दे देना, मुझे टाइम दे देना, हर एक चीज़ उसके पास मांगनी पड़ रही। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि उस इंसान को मेरी वैल्यू हो, उस इंसान को मेरी रिस्पेक्ट पता चले, वो इंसान मेरी वैल्यू करना जरूरी समझे, या फिर जिस तरीके से मैं तड़प रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे जलन हो रही है, वैसे उसके अंदर इनसिक्योरिटी, उसके अंदर जलन कैसे पैदा कर सकता हूँ मैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं कॉल पे। अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी है, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करें, आप पर्सनली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं पर्सनली, वन एंड वन मैं आपको गाइड करूंगा। कॉलिंग का चार्ज डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज पढ़ लेना। अभी हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मतलब मुझे इग्नोर कर किया जा रहा है, सामने की तरह से मुझे काफ़ी तड़पाया जा रहा है, मेरी वैल्यू नहीं की जा रही, रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि सामने लोग को मेरी वैल्यू हो जाए, सामने लोग को मेरी रिस्पेक्ट पता चल जाए, उसको भी कुछ फर्क पड़े ना मेरे होने ना होने से, ये चीज़ मुझे पूछा जा रहा है, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे भी कोई इंसान हमें इग्नोर करता है, कोई इंसान हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अब उस इंसान के पास काफ़ी अवेलेबल है, उसे हमें ग्रांटेड ले चुका है, उसको ये पता है कि जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस करो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ठीक है, और बिना जॉब किए, बिना बिजनेस किए, बिना मेहनत किए, अगर आपको पैसे मिल रहे घर बैठे, बिना मेहनत के पैसे मिल रहे, तो आपको उस पैसे की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि फ्री क्या है ना भाई, हर महीने फ्री में पैसे आ रहे, तो क्यों वैल्यू होगी उस पैसे की, नहीं होगी हमें वैल्यू। तो वैसे उस इंसान को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, मतलब आपको फ्रेंड जो कभी बोलता है फ्रेंड बन जा, कभी बोलता है तेरे साथ रहना नहीं, कभी बोलता है इग्नोर करता है, कभी कॉल मैसेज इग्नोर कर देता है, इंपॉर्टेंट नहीं समझता। देखिए आपके कॉल मैसेज इसलिए इग्नोर होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप दिन में 10 कॉल करोगे तो इग्नोर किया जाएगा, लेकिन दिन में एक कॉल होगा तो आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये चीज होती है। सामने वाला जो इंसान है वो हमें इग्नोर इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमारी तरफ से काफी ज्यादा रीच किया जा रहा है, हमारी तरफ से काफी ज्यादा उससे कनेक्ट होने की कोशिश की जा रही है, काफी ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, काफी ज्यादा उसकी वैल्यू की जा रही है, उसको जो चीज उससे कभी मतलब कहा जाता है ना, ज्यादा हजम नहीं होता खाना, ज्यादा खाना हजम नहीं होता, वैसे वो चीज़ हो रही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार, ज़्यादा केयर, ये सारी चीज़ें उसको दी जा रही, इसी की वजह से वो इंसान इस चीज़ों को हजम नहीं कर पा रहा है। ज़्यादा खाना जैसे हमें हजम नहीं होता है, कुछ ज़्यादा खाना मिल गया, अरे नहीं यार नहीं खाना, पेट भर गया, तो वैसे उसे उसका पेट भर चुका है और हम दिए जा रहे, खा ले, प्यार भी ले ले, इज्जत भी ले ले, रिस्पेक्ट भी ले ले, और इसीलिए वो इंसान हमें लात मार के बार बार निकाला, नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसको पता है ये खाना मेरे पास आने ही वाला है, ये जो खाना है वो मेरे पास आने वाला है, मेरे को मिले ना मिले ये चाहिए। और अभी यही चीज़ जो हम बार बार उस इंसान के पास पहुंचने की कोशिश करें, उसको ये तो दिखाओ कि भाई खाने के लिए तुम्हें घूमना पड़ेगा, जब खाना आपके पास नहीं आएगा ना तो आपको भूख लगेगी, आप जाओगे खाना ढूंढने के लिए, वैसे उस इंसान को आने दो आपको ढूंढने के लिए, आपके पास प्यार लेने के लिए, ये सारी चीजें। लेकिन हम तो बिना उसके आए, बिना उसके पहुंचे, हम सब कुछ दिए जा रहे, ले ले ये भी ले ले, प्यार भी ले ले, इज्जत भी ले ले, रिस्पेक्ट भी ले ले, अरे सारी चीजें अगर फ्री में दोगे तो कहाँ से वैल्यू होगी। 10 दिन तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब ये नहीं होता कि 10 दिन तक बैठे रहो घर में और सर ने बोला है इग्नोर करो, कॉल मत करो, मैसेज मत करो, रिस्पेक्ट मत करो 10 दिन तक, फिर उसके बाद 10 दिन तक अपने आप सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। 10 दिन तक अपने लाइफ पे ध्यान देना, 10 दिन तक ये सोचना नहीं है कि वो इंसान मेरी लाइफ में था, ये सारी चीज़ें वो मेरे बारे में सोच रहा होगा या नहीं, ये सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें सोचने की जरूरत ही नहीं, वो क्या कर रहा है, हमें सिर्फ ये सोचना है 10 दिन मुझे सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है, 10 दिन खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करना है, आगे बढ़ना है, फिर वो 10 दिन के बाद आए ना आए मुझे उससे फर्क नहीं। लेकिन अगर हम इस चीज़ से चलेंगे, 10 दिन बोला आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसे गिन गिन के दिन निकालेंगे तो फिर हो सकता है। लेकिन अगर हम लाइफ में 10 दिन ऐसे 10 दिन मतलब ऐसा समझ ले मुझे मूव ऑन ही करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब मूव ऑन, लाइफ में आगे बढ़ना, अगर 10 दिन में इंसान आया तो आप डिटैच भी हो जाएंगे, 10 दिन में आया तो आपका नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मुझे तकलीफ भी नहीं क्योंकि मैं मूव ऑन भी कर गया, 10 दिन में डिटैच भी हो गया, इस तरीके से चलना। हम क्या 10 दिन बोला है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हमारे जो पेशेंस होते हैं, हमारे जो अंदर पेशेंस नहीं होते, या फिर हमारे अंदर जो कंट्रोल होना चाहिए, हमारे माइंड को खींच के रखना चाहिए, वो हम नहीं खींच सकते, हमारे माइंड पे हमारा मतलब कुछ प्रकार का मतलब कंट्रोल नहीं है, कहाँ पे भाग रहे, इधर उधर भाग रहे, हर जगह हम भाग रहे, हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं है, हमारे जो फीलिंग्स उस पे कंट्रोल नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, कभी भी रोना, उसके सामने गड़गड़ाना, फाइनली हाथ जोड़ लेना, चले रहा हाथ जोड़ लेता मान जाना, इसी की वजह से रिस्पेक्ट डाउन करवा ली उसकी नज़र में, और सामने वाला इस चीज़ का फायदा लेता है।
है। मैं आप सभी को यही बताता हूँ कि हाथ मत जोड़ा करो, प्यार की भीख नहीं मांगी जाती। अगर भीख मांगो तो भिखारी की तरह भीख ही मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा यार। इंसान एहसान करके तुम्हारे साथ रहेगा, हाँ चल ठीक है मैं रहूंगी तेरे साथ, और फिर वो इस टाइम पे कॉल करूंगी, इस टाइम पे कॉल नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करेगा, अभी मैसेज नहीं करूंगी, कल नहीं मिलूंगी, ये सारी चीजें होगी, एटीट्यूड दिखाया जाएगा। लेकिन अगर रिस्पेक्ट से रहोगे तो इंसान इसे रिस्पेक्ट भी देगा, रिस्पेक्ट भी लेगा और रिस्पेक्ट भी देगा। लेकिन अगर जहाँ पर आप रिस्पेक्ट दिए जा रहे हो नहीं मिल रहे तो क्यों देगा, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहे तो मत दो। आपने दोगे तो अपने आप सामने वाला देगा, यार ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो देना स्टार्ट कर देगा, हम भी देंगे, नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे भाई। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। 10 दिन तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना, भागता हो तुम्हारे पीछे आएगा 10 दिन तक। ऐसा दिखा दो आज तक आपने उससे दूरी बनाई नहीं, आज तक आपने उस इंसान को दिखाया नहीं कि मैं तेरे बिना रह सकता हूँ। दिखा दो ना उसको इस बार कि हम तेरे बिना रह सकते, तेरे बिना भी जी सकते भाई, ये चीज है। और जब उसको ये चीज पता चल जाएगी कि इंसान मेरे बिना कैसे रह रहा है, तब उसको पता चलेगा अरे यार हाँ इस इंसान को इग्नोर ही कर सकते हैं, ये चीज होती है। अब तो नहीं यार 10 दिन नहीं हो पाएगा, निकालना ही पड़ेंगे 10 दिन। एक बार कंट्रोल कर लोगे थोड़ा दर्द होगा, सह लोगे, लेकिन 10 दिन के बाद खुशी मिलेगी। ऐसा मिनिमम नहीं बोलो कि 10 ही दिन, किसी की रिलेशन में 15 दिन लगते, किसी की रिलेशन में 20 दिन लगते, ये सारी चीजें है, ये सब कुछ होता है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए। अगर समझ गए तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में मैंने पिन करके रखा है, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे पर्सनल कॉल पर बात करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी दिख ली, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करके, कॉलिंग का चार्ज डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।